ये है सर्दी के लिए लड्डू बनाने का तरीका, जो ये मालकिन खुद बना रही हैं और सक सक कर एक एक चीज को सक सक कर अंदर डाल रही हैं कि बादाम कैसी मीठी है। अगर जो खारी बादाम होती है वो बाहर निकाल देती है, बाकी जो मीठी मीठी होती है उनको ये डाल देती है। अभी इन्होंने डाला है ये घी और गुड़। घी और गुड़ को ये देखो मिला रहे हैं। कितनी देर मिलाओगे इसको? 15-20 मिनट इनको मिलाएंगे। ये देखो और इनको लगा कि अभी थोड़ा कम है तो और डाल दिया घी। हमारे तो भैंसों का घी बहुत सारा पड़ा रहता है, हम मोल नहीं लाते हैं, मन साइज इतना डाल देते हैं। और ये है हमारे बिटिया रानी जो ये बादाम को कूट कूट कर पीस रही है। देखो ये है बादाम, देख लो कितनी सारी बादाम है, इतनी सारी बादाम। थोड़ा सा यूं करो, मुंडो यूं करो और यूं दिखा मैंने सोनो देखो। और ये देखो ये पूरी बादाम, इतनी सारी बादाम को कूट कर ये बना रहे हैं। ये क्या है? ये है गूंद। इस गूंद को भी कूट कर पीस कर एकदम छोटा कर दिया है आटे की तरह, जो इसमें मिला सके। और बार बार इनको देखना पड़ता है ये कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये क्या चीज है? ये है धनिया, जिसको बारीक बारीक काट के पीस कर इसको भी छोटा कर दिया है। ये भी सब जाएंगे अंदर। धनिया की खुशबू, आहा हा कितनी अच्छी आ रही है, मुझे तो अभी भी आ रही है। अभी और लकड़ी डालो अंदर। एकदम मारवाड़ी स्टाइल में, फिर जोरदार सर्दी पड़ेगी, फिर सुबह उठते ही आहा हा हा बड़ी सी चादर लपेट के बैठ करके आराम से अपने बिस्तर के अंदर ही खाने का क्या ही मजा आएगा दोस्तों। हम 10-15 मिनट लागे थोड़ी देर में बुलिया ने ऑफ। अभी इसके अंदर डाला है धनिया और गूंद और ये बादाम, ये सब चीजें अभी
मिक्स किए और इस सब को मिला कर ये कर देंगे। पहले तो घी और गुड़ को गर्म किया ज़ोरदार, उसके बाद में गूंद डाला और धनिया डाला पिसा हुआ और बादाम डाली और अभी डालेंगे किशमिश। ये डल गई किशमिश। इन सब को मिला करके सब मिक्स कर दे रहे हैं और फिर इसके अंदर डलेगा गेहूं को गर्म करके उसका पिसा हुआ, ये अभी आटा है गेहूं का आटा, जो कि पहले ही उनको भूंज कर रख दिया था और फिर वापस पीस कर उसको बना दिया। और वो इसके अंदर अभी डाल दिया है, अभी सब हो जाएंगे ये सारे मिक्स। सर्दी के मौसम में इसको खाने से जो कमज़ोरी होती है, दुबला पतला होते हैं और बहुत सारे और भी तकलीफों में ये काम करता है और ताकत भी आती है। जो लोग वर्कआउट करते हैं उनके लिए तो एकदम रामबाण चीज़ है। सुबह टाइम से वर्कआउट करके फिर एक लड्डू लेकर अगर रोज़ाना इसको खाया जाए तो और चीज़ें दूसरी खाने की ज़रूरत ही नहीं, सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और अभी मुझे लगता है एक चीज़ और इसमें बाकी है, अब पता नहीं ये डालेंगे या नहीं डालेंगे, मगर कभी कभार वो पड़ते हैं। एक मिनट, कित पड़े हैं अभी मैं लेके आता हूँ फ्रिज के अंदर जो पड़े हैं, मैंने कहा ना ये भूल गए थे, मुझे याद आया तो इनको भी याद आया, और पहले से इनको भी कूट के पीस के रखा गया था नीचे वाले में, और ये आ रहे हैं गोटे को पीस के रख के रखा था, जो अभी ये इसके अंदर पड़ेगा। ये देखो मैंने कहा कोई ना कोई तो चीज़ मिस हो रही है, ऐसा कैसे हो गया, मैंने सोचा कहीं अगली बार बनाएंगे तब बनाएंगे, वैसे मैं तो बनाता नहीं हूँ फिर भी देखा तो है ना, तो कोई भी चीज़ देखते हैं तो भूलने की तो बात ही नहीं है। ये देख लो ये इसके अंदर अभी जो नारियल होते हैं ना, जो जिसे गोटा बोलते हैं, उनको सारे को पीस कर एकदम बारीक करके इतना अच्छा फ्लेवर मिलता है, बस क्या ही बोले, देख के ही पता चलता है कि कितनी अच्छी बनी है चीज़। दुकानों पे जो मिलते हैं लड्डू, हाँ वो भी अच्छे होते हैं मगर खाने के लिए अच्छे होते हैं, बाकी ताकत के लिए तो यही वर्क करता है। सर्दी के मौसम में खाना चाहिए हम लोगों के लिए, तो ये हर सर्दी के मौसम में बन जाता है, वैसे बनाने की तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी बनाओ, मगर पता नहीं क्यों रिवाज चलता आ रहा है कि सर्दी में ही खाना चाहिए और सर्दी में ही बनते हैं। हम तो इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब बनेंगे कब बनेंगे, बहुत मिन्नतें करने के बाद में ये अवसर आया है कि अब हम लड्डू खा पाएंगे। और हम खाने वाले 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं,
तीन भाई, तीन मतलब जैसे दो भाई और एक फादर और एक लड़की, ये सारों के लिए बना है। और जो मम्मी दादी वगैरह वो होते हैं वो इनको नहीं खाते हैं, ठीक है कभी ले लिया एक आध बार तो कोई बात नहीं, मगर बेटियों को वैसे नहीं बनाया जाता है। मगर हमारी बेटी तो लाडली बेटी है इसलिए उसको भी मिलेगा, बाकी पहले बेटों के लिए बनता था, बेटियों के लिए नहीं बनता था कि बेटे कमा के देंगे, बड़े होंगे तो ताकतवर होंगे तो हमारा ख्याल रखेंगे, ये उनका ऐसा सोचना था। मगर अभी ऐसा नहीं है, अब तो सबसे पहले हम अपनी बेटी के मुंह में डालेंगे और फिर बाद में हम खाएंगे। हम नए ज़माने के लोग हैं और नए ज़माने के हिसाब से चलेंगे, नई सोच, बेटी और बेटा एक समान रखेंगे हम तो, उनमें फ़र्क नहीं करेंगे। ये देखो एकदम अभी मिल के हो गया है, अभी और कितना टाइम लगेगा इसमें, अभी और 5 मिनट लगेगा पकने में और ये पक जाएगा, फिर इसके डायरेक्ट लड्डू बना दे। ठीक है फिर अभी मिलते हैं लड्डू के टाइम, लड्डू बनाने के टाइम थोड़ी देर में। ओके गाइज, वो सारा प्रोसेस होने के बाद में अभी जो है वो लाडू बनकर, सॉरी लाडू बनना तैयार हो गए हैं। ये देख लो लाडू अभी बना रहे हैं और काफ़ी अंदर अभी हो गया है। हमारे घर में लाइट तो है वैसे, मगर जहाँ रसोई है वहाँ पे लाइट नहीं है, इसीलिए थोड़ा लाइट का दिक्कत हो सकता है। बाकी देख लो कितने अच्छे बने हैं ये वाले, देखो क्या बोले यार, ये इसके अंदर तो घी देखो ऊपर से ही नज़र आ रहा है। फिर ये कुछ दिनों के बाद में घी ऑब्जॉर्ब कर लेगा और फिर तोड़ने से भी टूटेगा नहीं, इतना सख्त हो जाएगा सर्दी के मौसम है ना। अभी गर्म है देखो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है करने में, क्योंकि इसको गर्म गर्म ही करना होता है। ये देखो हार हाथ लाल से हो गए इनके। तो आप जो मैंने बताया है वो समझ तो गए होंगे आप ना, सबसे पहले घी और गुड़ को गर्म करते हैं और फिर वो पूरा मतलब एक पैथ बन जाने के बाद में उसके अंदर धनिया डाला जाता है, गूंद पिसा हुआ डाला जाता है, बादाम डलती हैं, किशमिश डलती हैं और फिर जो वो जो नारियल का होता है ना कूटा हुआ वो भी डलता है गोटा का, और सबसे लास्ट में गेहूँ, जो गेहूँ को पहले गरम करके भुना जाता है और उसके बाद में उसको पीस कर आटा बनाया जाता है और वो आटा उसके अंदर डाला जाता है। अगर किसी को बनाना होता है तो यही सारा प्रोसेस है, मैंने बड़ा बड़ा आपको बारीकी से समझा दिया है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और बाकी आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें और इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं खुशबू के लिए स्वाद के लिए, तो वो थोड़ा बहुत आप अपनी मर्जी से जो भी आप पसंद करते हो डाल सकते हो। बाकी जो ताकतवर चीज़ थी वो सब यही थी और उसी को मन देवर सर। ये देखो ये देखो इतने सारे बन गए और अभी थोड़ा ही बाकी बचा है, सारे बन के तैयार लगभग हो गए हैं। ये महीने भर का सब लोग मिला के खाएंगे तो अभी ख़त्म नहीं होगा, ये दिखने में कम दिख रहे हैं मगर एक लड्डू एक आदमी खा नहीं पाता है, आधा आधा दो जने खा पाएंगे बस। थोड़े और बचे हैं फिर इनको रख दिया जाएगा
और अभी मैं एक खा के बताता हूँ कैसा बना है। और ये ले वर्षा, बता। ये है बना है, ये देखो। अभी सब टूट रहे हैं मगर ये फिर बाद में टूटेगा नहीं। मैं खा के बताता हूँ कितना अच्छा बना है। हाँ 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 अब सारी चीजें मिलके इतना टेस्ट बनाया। बस अब आप लोग भी आ जाओ और मेरे साथ में एंजॉय करो। आपने बहुत सारी चीज़ें खाई होगी मगर मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ें घर पे ही बनती है, बाहर कहीं भी नहीं बनती है, और शायद नहीं खाई होगी आपने। हर आदमी के घर में, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनके घरों में तो लगभग बनते होंगे, और शहर में भी कुछ लोग बनाते ही होंगे मगर ज़्यादातर ये गांव में ही देखने को मिलता है। इसमें जो गूंद होता था, गूंद की आ रही है स्मेल मुंह में, उसका भी स्वाद आ रहा है, बादाम का भी आ रहा है, और जो नारियल होता है उनका भी गुड़ से मीठा हो रहा है। बादाम है ये देखो, इस बादाम ऐसे बादाम आती है, और फिर इसको खाए तो हाँ, ये देखो, ये इसमें काजू है, बादाम भी है, ये देखो इसमें दिख रहा है। अब आप देख करके बता सकते हो कितना अच्छा बना होगा। मैं तो भाई कहता हूँ बहुत बढ़िया बनाया, इतना अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये देखो मैं मेरी बिटिया को भी खिलाता हूँ, वो बोलेगी कैसा बना। ये लो, बहुत अच्छा बना है। ये देखो, मैं अपने मुंह से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी खाएगा तो यही कहेगा कितना बढ़िया बना है। और हमारे घर में रैबिट भी हैं, हम उनको थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे, ज़्यादा खिलाएंगे नहीं क्योंकि मीठा होता है इसके अंदर, तो उनको नुकसान बाकी ना हो उनको जाए। रोज़ाना टेस्ट ज़रूर करवाएंगे। तो फिर ये देख लो, अभी इतने सारे बन गए, लगभग ये ख़त्म होने ही वाला है। तो अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, और आप सब लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मत भूलिएगा दोस्तों। और हम ऐसे ही नए वीडियो बनाते रहेंगे, और आप लोगों की डिमांड होगी तो और इससे अच्छे अच्छे वीडियो और लाएंगे। और ज़्यादातर मैं व्लॉगिंग नहीं करता हूँ, मेरे शॉर्ट्स वीडियो आते हैं रेबिट के बारे में, मगर ऐसे ऐसे कभी कभी मैं डालता रहता हूँ। तो अगर आप पसंद करते और आप बोलोगे तो मैं और आगे ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। बाकी कोई इसमें कुछ मिस्टेक्स हो तो आप देख लेना, क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, नहीं मेरे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं जिसका मैं अच्छे से मतलब कर सकूं। छोटा सा फ़ोन है, फ़ोन से ऐसा सारा काम हो रहा है। और बाकी आप वीडियो को लाइक करना और जहाँ तक हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा हमें, और हमें खुशी होगी कि आप हमें इतना पसंद करते हैं। तो फिर बोलते हैं बाय बाय गाइस। बाय बाय।